यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल पर गए किसान की अवैध संबंधों के शक में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश में जुटी है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि पुलिस कब तक इस हत्या का खुलासा कर पाती है। क्या हुआ था, रात के बजे गए थे? 10:30 बजे खेत में पानी करने गए, मैं कभी आ रहा हूँ 2 घंटा में। 10:30 बज रहे। फिर क्या हुआ? फिर कोई पता नहीं। सुबह क्या पता पड़ी तुम्हें? फिर सब कुछ पता नहीं, एक पड़ोसी से फोन लगवाया होगा। हमारा फोन लगा दिया तो फोन स्विच ऑफ बताया उन्होंने। ठीक, फिर उसके बाद क्या जानकारी? उसके बाद मेरे बड़े वाली फैमिली से कह मुझे फोन 7:10 बजे गई हूं अभी आई ना। फिर बड़े वाले चले गए इतनी बात सुन के। वैसे तेरा पता हूं मैं तो। फिर क्या, किस तरह से मारा, किस तरह से हत्या की, गोली मारी थी, क्या हुआ, क्या पता पड़ा? गोली मारी। तो कौन लोग हो सकते हैं, क्यों हत्या की गई होगी, क्या पता पड़ पाया? अब ऐसा क्या जानकारी बिगड़ किसी से, कोई रंजिश, कोई बात, क्या क्या मांग करती हो सरकार से? इंसाफ मिले, हत्यारे पकड़े जाएं, मुंह से बताओ। इंसाफ मिले, हत्यारे पकड़े जाएंगे, जैसे मेरा आदमी को ऐसे उनके वे भी जाएंगे। नाम आप कैसे दो? लीलू, क्या हुआ तुम्हारे भैया के साथ? पानी पा रहा था। हाँ, मैं मदद कर दिया। किस तरह से हत्या की गई है? गोली मार के। कितनी गोली लगी है इसको? किसी पर शक है क्या? हत्या के पीछे क्या वजह निकल के आ रही है? ठीक है सर, एक बिलावटी थाना क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या हुई है, क्या मामला है और क्या चीज सामने आई है? आज सुबह गुलाटी थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नितिन नाम के एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम और पंचायतनामा के लिए भेजा है। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि उसके अवैध संबंध एक व्यक्ति की पत्नी के साथ थे और उसी रंजिश के कारण बबलू नाम के व्यक्ति ने उसकी गोली मार करके हत्या की है। कई टीमें हमने लगाई हैं जिस गिरफ्तारी के लिए, आशा है कि शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे कार्यवाही की जाएगी। घटनास्थल से बताया जा रहा है सर कुछ खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है? हाँ, घटनास्थल से जो बरामदगी हुई है उसके बारे में फर्द बना करके अभियोग कार्यवाही की जा रही है। थैंक यू सर।